Hi, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the fourth part. So in this part we are going to script. So let's get started. So jo model hai hammer ka wo maine import kiya hua hai. So nothing special, z plugin, aur isme aapne aake jo hai ye fvx export import isme aayenge, aur simple aapne import karna, aur jahan bhi aapka model hoga aapne import kar lena. सो मॉडल आपका इंपोर्ट है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और कंट्रोल डी शॉर्ट की है इसकी, ये ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ पे डिवाइड इसके ऊपर होवर करके रखेंगे माउस, तो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल डी इसकी सब डिवाइड करने की शॉर्ट की है. सो इसको हम कर लेते हैं जी, सबसे पहले कंट्रोल जी, ये स्मूथ जो है इसको ऑफ करते हैं और लेट से 3, 4 एंड देन इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है. और अब कर लेते हैं लेट से 7 डिवाइड कर लेते हैं 7 दफा. यहाँ से पॉली फ्रेम ऑन कर लेते हैं और उसका पॉली फ्रेम भी हम देख लेते हैं, ठीक है जी. इसी तरह ऑल्ट प्रेस करके रखें और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो आप सेलेक्ट करने के लिए मल्टीपल, बेसिकली हमने पीसीज में बनाया, इसीलिए बनाया कि हम यहाँ पे सोलो अगर करें तो हम अलहदा भी काम कर सकें, तो इसलिए इसको पीसीस में बनाया. और इसी तरह इसको भी कर लेते हैं लेट्स से 2, 6, और इसके ऊपर अगर मैं छोटा करूं अपना ब्रश स्ट्रोक लगा के देख लेते हैं, आई थिंक 6 काफ़ी है और काफ़ी है. इसी तरह इसको सेलेक्ट करते हैं और लेफ्ट क्लिक से और इसको डिवाइड कर लेते हैं 4, 5 लेट से, और काफ़ी है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं, सेवन, और आप देख लेते हैं आई थिंक ये बेटर है काफी. तो डिवाइड हम कर चुके और सबसे पहले इस पे काम कर लेते हैं. यहाँ से जाएंगे सोलो में, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा और सबसे पहले हम जाते हैं B4 ब्रशेस और T4 ट्रिम डायनामिक, और ये D4 ट्रिम डायनामिक जिसकी शॉर्ट की है. ब्रश का साइज छोटा करते हैं थोड़ा और इंटेंसिटी भी थोड़ी कम कर लेते हैं और स्ट्रोक लगा के देख लेते हैं, ठीक है. एक्स प्रेस करेंगे, एक्स जो है वो सिमेट्री के लिए, आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे जो है वो मेरा ब्रश है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्क करूँ तो वो लेफ्ट साइड पे भी वर्क हो रहा है. इस तरह हमें अलग अलग काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसकी जो यूवीज हैं वो एक ही मॉडल की हैं, तो इसलिए इस मटेरियल ये यूवीज इसकी ओवरलैप्स हैं, तो इसलिए इस पर अलग काम करना वो टाइम ज़ाया करने के बराबर है. तो इसके सबसे पहले जो एजेस हैं शार्प वो इस तरह यहाँ पे स्ट्रोक लगाएंगे और इसके जो शार्प एजेस हैं वो इसके ख़त्म कर देंगे,
स्टाइलाइज लुक देने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करता है। और ब्रश साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कहीं पे बहुत बड़ा हो गया है, इंटेंसिटी कम कर लेते हैं। और एक भी अभी ज़्यादा है इंटेंसिटी, ऐसे। और साइज छोटा करते हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा कर लेंगे थोड़ी सी, और यहाँ पे स्ट्रोक लगाएंगे। अब वो बिल्कुल एक जैसे स्ट्रोक ना लगें उस वजह से। यहाँ से हम ये मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ये करना चाहें कोई भी आप मटेरियल रख सकते हैं, ग्रीन जो आपको बेटर लगे, जो विजुअली आपको जिसमें बेहतर नज़र आ सके। आई थिंक मैं डिफॉल्ट के साथ ही जाऊंगा। और यहाँ पे स्ट्रोक लगाएंगे, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा लेते हैं और दोबारा इस पर स्ट्रोक लगा देते हैं। इंटेंसिटी बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे, साइज ब्रश का थोड़ा बड़ा करते हैं। और यहाँ भी सेम, और सोलो से बाहर आते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके बेहतर कि कहाँ पे वर्क करना है हमने और कहाँ पे नहीं, कितना नज़र आ रहा है बेसिकली। सोलो में जाएंगे और इसके जो स्पाइक्स हैं उस पे भी सेम ऐसे ही स्ट्रोक लगा देंगे। इंटेंसिटी ज़्यादा है, हम कम करेंगे इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंटेंसिटी, क्योंकि ये काफ़ी है।
यहाँ भी स्ट्रोक लगा देंगे, बेसिकली साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि स्ट्रोक हमारे जो है वो सेम ना लगे। रफली इस पे स्ट्रोक लगा देंगे, शार्पनेस जो है इसकी उसकी ख़त्म हो जाए बेसिकली। साइज ब्रश का थोड़ा बड़ा करेंगे और इंटेंसिटी हम कम ही रहने देते हैं कि वो इतनी ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अभी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, 3 या 4 कर लेते हैं और उसको इस तरह से यहाँ भी स्ट्रोक लगा देंगे। जूम आउट करें थोड़ा और ये रह गया, इसको भी देख लेते हैं और इसको भी ऐसे यहाँ पे स्ट्रोक लगा देंगे। ब्रश से थोड़ा सा स्टाइलाइज लुक देने के लिए से जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा और सोलो से बाहर आते हैं और इसको स्नैप करते हैं व्यू में ऐसे और ऐसे। और उसके बाद लाइट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे ब्रशेस और ब्रशेस जो नॉर्मल मैं यूज़ करता हूँ हमेशा से, लेट से ये ले लेते हैं और ये स्लैश ले लेते हैं, एक स्लैश ये वाला भी ले लेते हैं और लेट से आई थिंक अभी के लिए काफ़ी है। लाइट बॉक्स और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये वाला स्लैश पकड़ते हैं और रफली स्लैश देते हैं, एक्सप्रेस करेंगे इसमें, ट्री ऑफ कर देंगे और यहाँ देंगे या लेट्स दूसरा स्लैश ट्राई करते हैं, स्लैश 2। और एक एक स्लैश यहाँ पे ये दे देते हैं, यहाँ भी दे देते हैं। और ये स्लैश पकड़ लेते हैं 3 से के स्लैश 2 ही देते हैं, वो इतना विजिबल नहीं हो रहा। और
ठीक है जी। और इस पे सिर्फ यही रहने देते हैं, से एक और चीज कर लेते हैं हम, ये सिलेक्ट करते हैं और ये बेसिकली ये चीज है। आई थिंक ये भी दे लेते हैं, हमारी डिटेल काफी अच्छी हो जाएगी इससे। देख रहे हैं ये बेहतर लगेगा या नहीं। सोलो से वायर आते हैं और आप देखते हैं, आई थिंक इसके बगैर ही जाते हैं। सो आई थिंक ये काफी, इतना इसको बहुत ज्यादा नई डिटेल डालते हैं हम। और सो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम फर्दर आगे स्कर्प करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।